पठान फिल्म ने इतिहास रच दिया है। अपने पहले ही दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन चुकी है। 120 करोड़ लगभग इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की है एंड 55 करोड़ अप्रॉक्स इंडिया के भीतर इस फिल्म ने कमाई की है। और अगर बात करें डे टू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है पठान की, तो ये बताने से पहले आप सभी को बता दूं जो डे वन का कलेक्शन है ये दरअसल नॉन हॉलीडे छुट्टियां नहीं थी, उसके बावजूद ये फिल्म ने बम्पर ओपनिंग दी। RRR, KGF, बाहुबली यार कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था जो टूटा फूटा नहीं बॉक्स ऑफिस पर, तूफान आ गया। एंड अब कहा जा रहा है कि जो डे टू की कलेक्शन होने वाली है वो डे वन से ज्यादा होगी, क्योंकि इस दिन है छुट्टियां, हॉलीडे, रिपब्लिक डे। एंड जहां तक माने बॉक्स ऑफिस की, तो ये फिल्म फिर से दोबारा 100 करोड़ पार जाएगी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे टू में। एंड इंडिया में जो नेट कलेक्शन है डे टू का पठान फिल्म की वो है 65 करोड़ अप्रॉक्स। तो क्या लगता है दोस्तों, इस बार 500 करोड़ पार वाली फिल्म शाहरुख खान देने वाले हैं या नहीं? क्योंकि दो दिन में 200 करोड़ कमा ली, तो यार 300 करोड़ कमाने में थोड़ी ना ज्यादा दिन लगने वाले हैं। आपको क्या लगता है पठान कितने करोड़ों की कारोबार कर पाएगी इंडियन बॉक्स ऑफिस एंड ऑल्सो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर? जरूर से अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड एक से बढ़कर एक वीडियोस डेली आने वाली है, तो सब्सक्राइब टू ब्लॉकबस्टर बैटल्स एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। एंड आप क्या जानते हैं स्पाई यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन है? सलमान खान एज अ टाइगर, ऋतिक रोशन एज अ कबीर, या फिर शाहरुख खान एज अ पठान, या फिर खाली टाइगर श्रॉफ? सवाल का जवाब जानने के लिए राइट साइड वाली वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा। मस्ट वॉच वीडियो है, वॉच ना।